शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। मध्य प्रदेश से टिड्डी दल सातपुड़ा पर्वत मार्ग से संतरा उत्पादक महाराष्ट्र के अमरावती जिले वरुड़ व मोर्शी तहसील में पहुंच गया है। उससे भी बड़ा टिड्डी दल का आक्रमण हुआ। किसानों के लिए यह खतरों की घंटी है। प्रति घंटा 16 किमान रफ्तार से यह टिड्डी दल आगे बढ़ रहा है। टिड्डी दल ने अमरावती जिले के मोर्शी तहसील में आक्रमण करने के बाद सुबह वरुड़ तहसील में प्रवेश किया। उत्तमगांव, पलसवाड़ा, काचूरना में पहुंच गया है। संतराबाग उत्पादक किसान इस हमले से भयभीत है। यह टिड्डी दल सब्जी समेत हरे भरे पेड़ों के पत्ते खाते हैं। लाखों की संख्या में पहुंचे टिड्डी दल करोड़ों का नुकसान करने की संभावना है। पहला भीवकुंडी हिवरकेट के संतरा पेड़ मक्का पनेरी पर आक्रमण किया। पूरे पत्ते टिड्डी दल ने चट कर दिए। टिड्डी दल पहले राजस्थान पहुंचा, वहां से मध्य प्रदेश के फसलों पर आक्रमण किया। राज्य के अनेक जिलों में तबाही मचाने के बाद टिड्डी दल आगे बढ़ गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपूर्ण राज्यों में अलर्ट जारी किया है। यह टिड्डी दल अप्रैल के दूसरे सप्ताह राजस्थान के 18 और मध्य प्रदेश के 12 जिलों में फसलों की तबाही कर टिड्डी दल उत्तर प्रदेश के झांसी व आगरा पहुंचकर वहां के 17 जिलों को नुकसान पहुंचाया है। इसमें आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, हाथरस, एटा, फरुखाबाद, कानपुर, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर का समावेश है। महाराष्ट्र के पूर्व कृषि मंत्री अनिल बोंडे ने कहा कि किसानों का पंचनामा करके सरकार जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा देने की मांग इन्होंने की है। पाड़ा, भाईपुर, भीवकुंडी, कोपरा, हिवरखेड़, इस एरिया में टिड्डू की बड़ी संख्या में धाड़ आई है। उसको मराठी में टोलदाड़ बोलते हैं। करोड़ों की संख्या में 3 किलोमीटर का पट्टा उसने आगे आगे वो बढ़ रही है। कल कोपरा में उसका रहवास था और हर एक संतरे के झाड़ के नए पन्ने, मक्का, वेजिटेबल्स, वो सब फस्त करके, वो सब खाके काश्तकारों का नुकसान कर रही है। बहुत सारे काश्तकारों के मुझे फ़ोन आए वहाँ पे देखने के बाद में। वो काश्तकार रोने पे आ गए क्योंकि जो फसल संतरे की अभी आंबिया बाहर की निकलने वाली है वो बाहर भी उसने फस्त किया है। ये टोलधाड़ के ऊपर कल कोपरा के वहाँ पे कुछ फवारनी की गई लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अग्निशामक दल, फायर ब्रिगेड के पंप से बड़ी मात्रा में फवारनी करना जरूरी है क्योंकि ये मध्य प्रदेश से आई हुई टोलदाड़ ये आगे आगे बढ़ते रहेगी और मोर्शी और वरुड़ का संतरा इलाका है उसका भारी मात्रा में नुकसान काश्तकारों का होने वाला है, हो रहा है। शासन को भी विनंती है कि तुरंत उसकी उपाय योजना करे और ये टोलदाड़ के ऊपर, टिड्डू धाड़ के ऊपर नियंत्रण करे और जो काश्तकारों का नुकसान हुआ है उनको नुकसानी का मुआवजा मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए इमीडिएट सर्वेक्षण भी शुरू करें और उनको मुआवजा दें। अमरावती से इनबीसीएन न्यूज के लिए प्रवीण झोलेकर की रिपोर्ट।